हमेशा बोलते हैं कि कश्मीरी के दिल में नफ़रत है। सर क्यों ना होगी नफ़रत हमें, जब हमसे पूछताछ नहीं कुछ नहीं, डायरेक्ट आप उठ के हमें मार रहे हो, कम से कम हमसे पूछो तो सही। जब आप बाकी लोगों, अगर यहाँ का वो देखो वो इंदौर से बिलोंग करता है, अगर कोई और लड़का होता उसको वो देख लेता भाई टीका वीका, उससे वो पूछ लेता भाई क्या कर रहा है, नहीं मुस्लिम लड़का दिखा उसको बस शुरू हो गया। थोड़ी ना सर कश्मीर में पांच उंगलियां सेम तो नहीं है, मैं मानता हूँ कश्मीर में कुछ लोग बहुत ख़राब है, पर अब सारे मुस्लिम खराब हो गए। लेकिन जांच करना तो फिर भी ज़रूरी है ना सर, पूछना ज़रूरी है। जांच जांच के बाद अगर मेरे से गलती निकलती ना सर, अगर इवन मेरे से गलती निकलती ना, मेरे घर वालों को पता चलता, पुलिस वाले तो छोड़ो मुझे घर वाले ही मार देते। अभी हम गुजरनगर में मौजूद हैं, हमारे साथ एक युवा मौजूद हैं जो कि कश्मीर से बिलोंग करते हैं, इनसे जानते हैं क्या कुछ परेशानियां इनको आ रही हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम राजा है। कहाँ से हो आप? भाई मैं एक्चुअली अनंतनाग से हूँ, यहाँ कासिम नगर में रहता हूँ। क्या दिक्कत आई आपको, क्या हुआ? भाई एक्चुअली मेरी बहन के बच्चे यहाँ रेजेंसी रोड पढ़ते हैं, रोज़ ही जाता हूँ उनको छोड़ने के लिए, तो कल भी उसी तरह गया था, तो अब साथ में वहाँ पर एक पंडाला लगा हुआ था नीचे पार्क के पास अंदर, तो मैं भी जाके वहाँ पर बैठा हुआ था। वहाँ वो कुछ बना रहे थे, कुछ था ना कल महाराज हरि सिंह का लंगर लंगर टाइप, जी वही था, तो मैं भी उनको ही देख रहा था, वहाँ बाहर ही बैठा हुआ था, वो सामान वामान उठा रहे थे वहाँ से, मैं बच्चों का वेट कर रहा था वहाँ पे। तो इतनी देर में क्या होता है कि मैं जैसे बैठा हूँ फ़ोन लेके मैं फेसबुक चेक कर रहा हूँ, इतनी देर में वहाँ से दो पुलिस वाले और एक उनके साथ एक दो स्टार वाले आ रहे हैं, तो उन्हें आवाज़ मारी और यहाँ पर क्या कर रहा है। मैं बोलूँ सर, मैंने सर ही खाली मुँह से निकाला, इतनी देर में वो दो स्टार वाले ने डंडा उठा के सीधे एक जानवर की तरह मुझे पीटने लग गया वहाँ पर, ना आगे देखे ना पीछे देखे, यहाँ भी और ये टांग पे भी टोटली मूवमेंट नहीं हो रही है मेरे से, ये हाथ है मेरा ना तो ये फंक्शन कर रहा है ना ये कर रहा है यहाँ से, और उसके बाद ये देख लीजिए आप, ये देखिए जैसे पूरा राड घुसाया हुआ ऐसे मारा उस बंदे ने, यहाँ आगे पीछे नहीं, पूछ लेते एक बार आप कर क्या रहे हो यहाँ पे क्या। उसके बाद मैं थोड़ा ये इसको ठीक करके पेन किलर खा के थाने में जाता हूँ, तो वहाँ वेट करता हूँ मैं, तो जैसे मैंने उनको ये सब बोला रेजिडेंसी रोड पे ही, जो किसी प्लाजा के साथ होटल के साथ में बिल्कुल बिल्चो की वहाँ पे चला गया मैं, तो मैंने अंदर मुंशी जी को बोला, मुंशी जी ने पानी शानी पिलाया मुझे अच्छे से, तो फिर जब बोला मैंने बोला सर ने मारा, तो सर उतनी देर में आए, सर मुझे बोलते हैं वहाँ कल दो तीन दिन पहले मर्डर हुआ है, वहाँ पे ड्रग वगैरह लोग बैठते हैं। मैंने बोला सर बिल्कुल मैं गलत था, आप मुझे बोल सकते थे कि नहीं ये चीज़ गलत है, आप यहाँ से उठ के निकल जाओ, यहाँ अगर मैं गलत होता आप मुझे उठा के पुलिस स्टेशन कंज्यूम कर रहे थे, आपके पास ड्रग था? ना ना कुछ भी नहीं सर, नथिंग। कुछ रिकवर किया उन्होंने? सर कुछ भी नहीं पूछा, तक भी नहीं मेरे से, तो ये भी नहीं पूछा मतलब क्या कर रहे हो, पूछने का मौका ही नहीं, मतलब पिटाई शिटाई करके आपको छोड़ दिया वहीं, पिटाई करके बस दफा हो जाओ यहाँ से, टोटली नहीं। वहाँ पे और ही वो पंडाल वाला लड़का था, उसी ने मुझे एक साइड से उठा के गली से नीचे भगा दिया। और भी लोग होंगे वहाँ पे? सर काफी लोग थे, वो लड़के बेचारे तो दीवार तान तान के उछल उछल के भाग गए वहाँ से, और पंडाल लगा था वो बेचारे सामान उठा रहे थे, उन्हीं में से एक लड़के ने मुझे नीचे वाली गली दिखाई, बोला आप यहाँ से निकल के, मैं नीचे मेन पॉइंट पे आ गया, तो फिर मैंने वहाँ से ऑटो करके वहाँ चला गया मैं। फिर जब मैंने उनको बोला वो बोलते हैं नहीं जी आप ऐसे तो वहाँ पे ऐसे ड्रग वगैरह बैठते हुए, मैंने बोला सर आपने जानवर की तरह तो नहीं मारना था, आप मुझसे पूछ लेते, अगर मैं गलत होता आप मुझे थाने लेके आ जाते, फिर कहते नहीं बस ये तेरी पहली गलती थी, दोबारा गलती मत करना और दिखना मत आज के बाद, नहीं तो टांगे तोड़ दूंगा इसके बाद। ये किसने बोला? ये वही सर ने बोला। पहले आप मुंशी जी के पास जाते हो? जी जी बिल्कुल मुंशी जी के पास जाता हूँ, मुंशी जी ने बिठाया, नाम वाम लिखा सब कुछ, पंप पानी पिलाया, बिल्कुल सर नाम लिखा अच्छे से, बोला बेटा आप रो मत, आप चुप हो जाओ, क्योंकि मुझे ज़्यादा पेन हो रही थी बहुत ज़्यादा। रो रहे थे उस समय? बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं रो रहा था, काफ़ी ज़्यादा रो रहा था मैं, तो मैं रुका था इतनी देर, मुझे उन्होंने पानी पिलाया, बोला कोई बात नहीं, नाम शाम लिखा, उन्होंने मेरा फ़ोन नंबर ऐड किया वहाँ पे, बोला हम देख लेते दो सेकंड रुको। इतनी देर में सर आते, वो बोलते हैं डायरेक्ट ये मर्डर हुआ वहाँ पे, ऐसे ऐसे लोग हैं ऐसे। सर अगर मैं, बाकी लड़के भी थे पहले, वो उन लड़कों से आए, उनको नहीं पीटा, डायरेक्ट मैं अकेला इस साइड बैठा हूँ गेट के साथ ही मैं सर, कोई अंदर भी नहीं बैठा था, और डायरेक्ट ही उठा के सर ने एक बात तक नहीं पूछी, कम से कम एक बार इंसानियत के नाते तो पूछ ले एक बार कि भाई आप कर क्या रहे हो, किस वजह से। आप भी भागे थे क्या? सर नहीं मैं तो बैठा था आराम से, मैं फेसबुक चेक कर रहा था। इवन उनने जब बुलाया मैंने बोला जी सर, खाली मेरे मुंह से जी सर निकला, और इतना निकला सर मेरी फैमिली है, मैं रोज़ आता हूँ यहाँ पे, उसके बाद चल तेरी फैमिली की ऐसे सीधे मारने पर पड़ गया वो, कुछ भी नहीं उसके बाद। तो जब चौकी में आपकी फिर से मुलाकात हुई, जी जी, तो क्या वहाँ पे क्या बातचीत हुई, मतलब आपको क्या कहा उनने? उनने यही बोला फिर, नहीं वहाँ पे ऐसे ऐसे कोई फोटो दिखाई फ़ोन में, बोला ये मर्डर हुआ है वहाँ कुछ दिन पहले, तो ऐसे मैंने बोला सर और लड़के भी तो बैठे थे, उनको आपने बोला यहाँ से चले जाओ, मेरे पे आके आपने हाथ हल्का कर दिया, लेकिन आप मुझे एक बार बोल लेते कि नहीं बेटा यहाँ नहीं, आज के बाद यहाँ मत आना, ये गलत एरिया है, आप जाके दूसरी साइड बैठ जाओ, आपको अगर वेट ही करना है, गाड़ी आपने लगाई है, आप जाके गाड़ी में बैठ जाओ, यहाँ नहीं। नहीं सर ऐसे कोई बात ही नहीं की,
रात को आपने मेरे को कॉल भी किया था। जी जी बिल्कुल, मैंने आपको रात को उसी टाइम कॉल किया था, मुझे राहुल जी ने बोला था आपको कॉल करने के लिए, मैंने कॉल भी किया था, बट मुझे जी जी वो दिल्ली में है तो मुझे पेन होने की वजह से उनने मुझे मैसेज किया था आपका नंबर, तो पेन होने की वजह से मैं फिर आपको रात को नहीं मिल पाया और मैं घर भी नहीं गया, मैं दीदी के यहाँ पे ही रहा था रात को। कितने बजे का टाइम रहा होगा जब आपके साथ ये मारपीट हुई है? सर ये कोई नियर अबाउट 6:30-7:30 बजे बिल्कुल सर। तो क्या लगता है आपको क्यों आपको ही जो है मारपीट का शिकार बनाया गया? बाकी लोग भी थे वहाँ पे, पंडाल भी लगा हुआ था, बाकी भी लड़के जो भागे हैं वहाँ से, तो आप भागे भी नहीं, वहाँ पे मौजूद भी रहे, आपने जवाब भी दिया उनके सवाल का, फिर भी आपको मारा गया, क्या कारण लगता है? सर मुझे तो खाली लगता है फ्रस्ट्रेशन, मतलब एक वो नया रूप वर्दी का बस आम इंसान को दिखाना है वो, भाई जी हम हैं और कुछ भी नहीं। सर क्या क्या नाम था उन ऑफिसर्स का जो आपके पास आए थे? सर तो बैज तो लगा होगा ना? सर नहीं उतना मैंने, सर मैं बोल रहा हूँ ना कि मतलब मुझे लग रहा था बस मैं यहाँ से नहीं उठूँगा टोटली सर, मतलब वो ना आगे देखे ना पीछे सीधे। आप उसी चौकी में गए जहाँ पे वो खुद इंचार्ज हैं? सर नहीं वहाँ SHO कोई और है, वो शायद सेकंड है वहाँ पे। जी बिल्कुल उसी चौकी में गया मैं, डायरेक्ट उनके पास ही गया। दो स्टार वाले हैं? जी 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 दो स्टार वाले हैं। अच्छा, तो उन्होंने आपकी कंप्लेंट नहीं एक्सेप्ट की? नहीं सर कंप्लेंट उन्होंने बोला ये ऐसे ऐसे बात है, जब उन्होंने वो उसका एक्सक्यूज दे दिया तो बोला ऐसे ऐसे आपको कोई और प्रॉब्लम हो जाएगी तो और किसी केस में फंसा देंगे आपको। सर केस में वो भी है क्योंकि अब क्या करते जो इंसान ऐसे। आप डर गए? सर मैं हाँ डर गया, मैं सिंपल बताऊंगा, इवन कि मुंशी जी वगैरह के पास सेफ था, मुझे ये लगा कि ये बंदा मुझे और मारेगा और मैं उसको बोल रहा हूँ मेरे वालिद साहब का, मुझे क्या करना तेरे वालिद साहब को। उस समय चौकी के अंदर भी दाड़े मार रहे थे? नहीं नहीं बाकी नहीं सर नहीं, मतलब वही ऑफिसर? हाँ, वही ऑफिसर, वही सर। मैं उनको वालिद साहब का बोलूँ, नहीं वालिद साहब क्या है मुझे नहीं सुनना है, वो वालिद साहब क्या है मुझे क्या करना है, मैं तेरे को सीधे पूछ रहा हूँ कहाँ रहता है। मैंने बोला सर यहाँ रहता हूँ, बेसिकली कश्मीर से हूँ, बस इतनी बात। उसके बाद मुझे बोलता है जा सुधर जा, मैं सर किया क्या तो सुधरूंगा, अगर कुछ गलत होता, अगर आपने कुछ रिकवर किया या कुछ देखा आपने, या इवन अगर मैं ड्रिंक करता हूँ या कुछ और, तो आप उस बात पे भी बोलो, बस इतना करके फिर वो बाहर चले गए। फिर मुंशी जी ने मेरा वो लिख लिया, बोला हम आपको कॉल करेंगे ज़रूर, तो आप टेंशन मत लो, आप यहाँ आते हो आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें बताओ, तो अभी आप जाओ आराम से घर। इससे ज़्यादा और क्या प्रॉब्लम होगी? हाथ तोड़ दिया टांग, आदमी जो टांग तोड़ के फिर क्या प्रॉब्लम हो जाती मुझे वैसे भी, लेकिन उस टाइम सर टोटली मुझे समझ ही नहीं आ रहा। एक साइड से मैं काम रहा था डर के मारे, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने मारा बात तो कर ही नहीं रहे थे वो, दूसरा जब वो अंदर भी मुझे दाढ़े मारने लगे तो मैं तो और ही डर गया था सर। वैसे आप क्या काम करते हो? सर मेरा ट्रांसपोर्ट का काम है, गाड़ियाँ मेरी ये बड़ी गाड़ियाँ डंपर वगैरह उन्हीं के साथ होता हूँ मैं, बस ये बीच में ड्राइवर नहीं आता तो दीदी के बच्चों को आगे पीछे छोड़ने के लिए इसके लिए आ जाता हूँ सर। ट्यूशन पढ़ते हैं यहाँ पे? जी जी बिल्कुल ट्यूशन पढ़ते हो? छोड़ने भी आते हो लेने भी आते हो? कभी कभी सर छोड़ने भी और कभी कभी लेने भी आ जाता हूँ सर। बिल्कुल सर। तो अब आप क्या करने वाले हो? को कंप्लेंट वगैरह आपने की है या करने जा रहे हो या हायर ऑफिसर? सर नहीं कंप्लेंट करने जा रहा हूँ मैं सर बिल्कुल। मैंने ऑफिसर्स के पास जी मैंने एक्चुअली अपने एडवोकेट से बात की थी तो उन्होंने मुझे बोला था कि अभी जा रहा हूँ तो वहाँ से कंप्लेंट कर लूँगा। कोर्ट के थ्रू करेंगे? जी जी सर कोर्ट के थ्रू सर। सर उधर तो नहीं जाऊँगा मैं, आप उस चौकी में नहीं जाएंगे? ना ना सर मैं नहीं जाऊँगा उधर। डर लग रहा है मतलब अगर आप कंप्लेंट करते हैं बाद में और किसी मतलब? सर हाँ मुझे वो डर है उनका, इवन कि बाकी स्टाफ वहाँ अच्छा है, ये मैं गलत नहीं झूठ क्यों बोलूँ मैं, अल्लाह देख रहा हूँ, पर उनने मेरे से बहुत प्यार से बात की, उन पानी चलो और उनको खुद भी रोना आया था क्योंकि जब मैं रो रहा था वहाँ पे वो जो कांस्टेबल है वहाँ पे, इवन उनको इतना ज़्यादा बुरा फील हुआ, बट ऑफिसर है उनका तो क्या कर पाएंगे सर, छोटे मुलाजिम है वो भी कुछ नहीं बोले सर। अब आप क्या मांग करते हो? सर ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, देखो अगर ये लोग ऐसा करते हैं और बार बार, इवन मैं आपको एक चीज़ बोलूँ, ये हर हमेशा बोलते हैं कि कश्मीरी के दिल में नफ़रत है, सर क्यों ना होगी नफ़रत हमें, जब हमसे पूछताछ नहीं कुछ नहीं, डायरेक्ट आप उठ के हमें मार रहे हो, कम से कम हमसे पूछो तो सही। जब आप बाकी लोगों, अगर यहाँ का वो देखो वो हिंदू से बिलोंग करता है, अगर कोई और लड़का होता उसको वो देख लेता भाई टीका वीका उसके, वो पूछ लेता भाई क्या कर रहा है, नहीं मुस्लिम लड़का दिखा उसको बस शुरू हो गया। थोड़ी ना सर कश्मीर में पांचों उंगलियां सेम तो नहीं है, मैं मानता हूँ कश्मीर में कुछ लोग बहुत ख़राब है पर अब सारे मुस्लिम खराब हो गए। लेकिन जांच करना तो फिर भी ज़रूरी है ना सर, पूछना ज़रूरी है। जांच के बाद अगर मेरे से गलती निकलती ना सर, अगर इवन मेरे से गलती निकलती ना मेरे घर वालों को पता चलता, पुलिस वाले तो छोड़ो मुझे घर वाले मार देते क्योंकि वैसी फैमिली से हूँ ही नहीं, बट इनने कुछ भी नहीं, और वहाँ थाने में अब इसको पता बंदे को लगी, मैं इसको पूछूँ कम से कम चल यार तेरे को मुझे गलत फहमी हुई, मुझे कुछ और लगा, तुझे कहाँ लगी है, चल मैं ही डॉक्टर के पास ले जाऊँगा। उसके बाद भी मतलब कोई सर टोटल ही नहीं, उनका ईगो ही नहीं टूट रहा था,
और रो रो के मतलब सीधे आंसू नीचे गिर रहे थे, उनको कोई कुछ नहीं, वो उन्हीं आंसू में भी दाड़े मार रहे हैं मुझे। इतना भी रोब सर, इससे इससे जो युवा पीढ़ी है वो सही रास्ते पे नहीं जाएंगे, क्योंकि एक बार ये जिद दिल में जिद बिठाएंगे बच्चे के तो कहाँ से ठीक होगा ये सब। ये एक कश्मीरी युवा है, जिस तरह से ये कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं एक SI पे कि उनके द्वारा इनके साथ मारपीट की गई है, ये हाथ में चोट लगी है, टांग में चोट लगी है, और अगर तो इनसे कुछ रिकवर हुआ है, अगर तो इनके खिलाफ कोई मामला जो वहाँ पे दर्ज किया गया है रेजिडेंसी रोड में, फिर तो चलो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर इनके ऊपर कोई मामला दर्ज नहीं है, इनसे कोई कुछ इस तरह की चीज़ भी रिकवर नहीं की गई है जो ऑब्जेक्शनेबल हो, फिर भी इस तरह से मारपीट करना, वो भी सरेआम, कहीं ना कहीं पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को, हायर ऑफिसर्स को इस तरह के ऑफिसर्स पे जो है नकेल कसनी चाहिए। इस तरह से युवाओं की जो खुलेआम सरेआम पिटाई करना या इस तरह से डराना धमकाना, कहीं ना कहीं जो इस तरह के ऑफिसर्स इस तरह का काम करते हैं, एक प्रश्न चिन्ह जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट पे लग जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। कानून हर किसी के लिए है, कानून अगर उस SI के लिए है, कानून की वर्दी अगर उस SI को मिली है, कानून वही कानून तहफ़ जो है वो इसको भी देता है, इस युवा को भी देता है। अगर ये गलत नहीं है, इसको पूरा हक है इस सोसाइटी में घूमने फिरने का, चलने फिरने का, कहीं पे उठने बैठने का, इस तरह से मिसयूज़ जो है वो यूनिफॉर्म का नहीं होना चाहिए, और इस पे जो है कड़ा संज्ञान जो है हायर ऑफिसर्स को भी लेना चाहिए। आपकी इस सब पे क्या राय है, आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिए। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज़ अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।